कंट्रोल्स। आइए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं ट्रैक्टर के कंट्रोल्स पर। एक्सेलरेटर कंट्रोल्स। आपके महिंद्रा ट्रैक्टर में दो तरह के एक्सेलरेटर होते हैं। पहला है हैंड थ्रॉटल, जो हाथ से संचालित होता है, और दूसरा एक्सेलरेटर पैडल, जो पैर से संचालित होता है। हैंड थ्रॉटल। खेत में चलाते समय रफ्तार सेट करने के लिए ज्यादातर हैंड थ्रॉटल का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि रास्ते पर हैंड थ्रॉटल का उपयोग कभी ना करें। रास्ते पर रफ्तार कम ज्यादा करने के लिए एक्सेलरेटर पैडल का ही इस्तेमाल करें। इसे पैर से दबाने पर रफ्तार तेज हो जाती है और छोड़ने पर धीमी। एक्सेलरेटर के नीचे लगे फुल लोड लॉक नट की सेटिंग को बिल्कुल न छेड़ें। ऐसा करने से ट्रैक्टर में ईंधन की खपत ज्यादा होगी और एक्सीडेंट भी हो सकता है। गियर लीवर्स। इंजन से निकली शक्ति गियर बॉक्स से होती हुई ट्रैक्टर के पहियों तक जाती है। इस गियर शिफ्ट लीवर की मदद से आप उपयोग और उपकरण अनुसार ट्रैक्टर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, और इस हाई लो गियर लीवर की मदद से आपको सभी कामों के लिए स्पीड के और भी पर्याय मिलेंगे। याद रहे, सही परफॉर्मेंस और काम के लिए सही रफ्तार और उचित गियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्लच पैडल। ट्रैक्टर को रुकी हुई अवस्था से चलती हुई अवस्था में लाने के लिए और उसे रोकने के लिए भी क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। गियर बदलने के लिए क्लच पैडल को दबाना पड़ता है। ट्रैक्टर को चलाते समय कृपया गियर बदलने का सही तरीका समझ लें। यदि गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है तो गियर बदलने के लिए पहले क्लच को दबाएं, फिर गियर न्यूट्रल अवस्था में ले आएं और क्लच को छोड़ दें। फिर दोबारा क्लच दबाएं, गियर को बदलें और धीरे से क्लच छोड़ें। अगर आपको चलाते समय गियर बदलना हो तो इस तरह करें। एक्सेलरेटर पैडल को रिलीज करते हुए क्लच पैडल को पूरी तरह दबा दें। गियर को न्यूट्रल में ले आएं, क्लच को रिलीज करें, दोबारा क्लच दबाएं और जरूरत के मुताबिक गियर तीसरे या चौथे में बदल दें। गियर बदलते ही तुरंत क्लच को पूरी तरह रिलीज कर दें और एक्सेलरेटर दबा दें। ऐसा करने से इंजन का आरपीएम पहियों के आरपीएम से अलाइन हो जाता है और गियर बदलते समय आवाज नहीं आती। ट्रैक्टर चलाते समय क्लच पैडल पर पैर रखना गलत आदत है। इससे क्लच प्लेट घिस जाएगी और ट्रैक्टर की पावर में कमी आएगी। ट्रैक्टर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सही गियर का चुनाव करें और कभी भी क्लच से कंट्रोल न करें। जरा इस टेस्ट पर नजर डालिए। इंजन आरपीएम 1000 है, क्लच पर पैर नहीं है, पहियों का आरपीएम है 90। इस अवस्था में हम 10 मिनट तक ट्रैक्टर चलाएंगे और ईंधन की खपत पर नजर रखेंगे। दस मिनट बाद हमने देखा कि 300 मिलीलीटर डीजल की खपत हुई है। अब हम क्लच पर पैर रखेंगे। इंजन आरपीएम वही है 1000। देखिए, पहियों का आरपीएम घटकर 70 हो गया है। अब इस अवस्था में भी हम 10 मिनट तक ट्रैक्टर चलाएंगे।
10 मिनट बाद हमने देखा कि इस बार 600 मिलीलीटर डीजल की खपत हुई। देखा ईंधन की खपत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये बात साफ है कि क्लच पर पैर रखने से पावर में कमी होती है, ईंधन भी ज्यादा लगता है, ट्रैक्टर की कार्यक्षमता कम होती है और क्लच प्लेट भी घिस जाती हैं। आखिर में नुकसान आप ही का होता है, इसलिए क्लच का उपयोग ट्रैक्टर का गियर बदलने और ट्रैक्टर चालू अथवा बंद करते समय ही करें। खेत या रास्ते पर ट्रैक्टर चलाते समय क्लच पर पैर बिल्कुल न रखें। ब्रेक पैडल ट्रैक्टर को रोकने के लिए और खेत में ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए, ट्रैक्टर के बाएं तथा दाहिने पहियों को रोकने के लिए दो अलग अलग फुट ब्रेक पैडल दिए गए हैं। ये दोनों ब्रेक खेत में ट्रैक्टर को मोड़ने में मदद करते हैं। दाहिने मोड़ने के लिए दाहिना ब्रेक पैडल और बाएं मोड़ने के लिए बायां ब्रेक पैडल दबाएं। याद रखें, रास्ते या हाईवे पर ट्रैक्टर चलाते वक्त ब्रेक पैडल को हमेशा एक साथ लैच कर दीजिए। अगर ट्रैक्टर बहुत देर तक खेत में इस्तेमाल हुआ हो तो हो सकता है कि सड़क पर आने के बाद ब्रेक लगाते समय ट्रैक्टर एक तरफ की ओर जा रहा हो और इसे ठीक करने के लिए ब्रेक पैडल को एक साथ लैच करने के बाद पैडल को 4-5 बार दबाएं। इससे ट्रैक्टर ठीक चलने लगेगा। पार्किंग ब्रेक ट्रैक्टर खड़ा करने के बाद इस ब्रेक का संचालन इस प्रकार करें, ब्रेक पैडल दबाएं और फिर पार्किंग लीवर को खींचें। जैनी, इस भाग में हमने ट्रैक्टर के अलग अलग कंट्रोल्स के बारे में जाना। खेत में चलाते समय हैंड थ्रॉटल का और रास्ते पर चलाते समय एक्सेलरेटर पैडल का ही इस्तेमाल करें। सही परफॉर्मेंस के लिए दिए गए चार्ट के अनुसार उचित गियर का ही चुनाव करना चाहिए। क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर को कभी मत चलाना बरखुरदार। ट्रैक्टर को खड़ा करने के बाद पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल किया करो।